मारे छोड़ी मन सामने दे देले मोके गारे पैसा ना कौड़ी करले मारा मारे छोड़ी मन सामने दे देले मोके गारे हर कैमरामैन हर कैमरामैन हर कैमरामैन फोकस करो छोड़ी को जो छोड़ी तो खाती थी 25 तारीख को हर कैमरामैन फोकस करो छोड़ी को जो छोड़ी धोखा देती 25 तारीख को पैसा ना कौड़ी करले मारा मारे छोड़ी मन के सामने दे देले मुके गारे हर कैमरा मैन हर कैमरा मैन फोकस करो छोड़ी को जो छोड़ी धोखा देती 25 तारीख को हर कैमरा मैन फोकस करो छोड़ी को जो छोड़ी धोखा देती 25 तारीख को ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि वो इतना पूरा नचा रहे थे, भैया लोग एकदम चुपचाप वो भी नाच रहा है उनके गोदी में रह के कुछ भी नहीं बोल रहा, और हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि ऐसे अनजाने भैया लोग के पास में वो इतना अच्छे से रह रहा है करके, और यहाँ पे हम लोग सब कोई नाच रहे बहुत ही ज़्यादा।
बीच में नाचने के बाद मैं फिर से ऊपर में आ गई सब लोग के साथ में यहाँ पे नाचने के लिए। दीदी लोग सबको स्टल बहुत ज़्यादा नाच रहे हैं जो कि आप सब देख सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सबको एकदम खुल के इंजॉय कर रहे थे, ये नहीं कि हाँ शर्मा शर्मा के, सबको खुल के इंजॉय कर रहे थे पूरे साइड। वाले लोगों का तो अलग ही लेवल का मस्ती चल रहा है, पूरा नाच जो कि आप सब देख सकते हैं, सब बहुत ज़्यादा झूम झूम के नाच रहे हैं। तो दीपिका एकदम मेरे को बुला रही है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो जल्दी आ करके, और वो तो एकदम नाचने लग गए। तो यहाँ पे मैं भी फ़ोन रख के आ रही हूँ नाचने के लिए, लेकिन मेरा साड़ी शायद उस दिन उतना अच्छे से नहीं बना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी नाचने के लिए। क्यों ना जोरा के हो, सिंगल के हो, सिंगल हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन क्या करती, जैसे तैसे मैनेज कर रही थी। साड़ी ना पहनने का नतीजा यही होता है, इसलिए हमेशा जितना हो सके साड़ी पहना करो, आदत बनाओ, नहीं तो मेरे जैसे फिर अचानक दिक्कत जाता है। और साड़ी ना पहनने की वजह से मेरे को आता भी नहीं है कि मैं ठीक कर पाऊँ, ऐसा स्थिति था मेरा, इसलिए जैसे तैसे मैनेज करके काम चला रही थी। बाकी उतना भी ख़राब नहीं लग रहा है, बाकी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा नाच रहे हैं, अकेले भी नाच के देख रहे हैं, जोरा के भी नाच के देख रहे हैं, सब जैसे नाच रहे हैं यहाँ पर हम लोग। और मैं यही बोलूँगी, थोड़ा सा आउट में हो जाता है संतुष्टि फंक्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा भीड़ भी नहीं, लेकिन जो भी जितना भी भीड़ था बहुत अच्छा था, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में भी नाचने उचने के लिए दिक्कत जाता है, मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब मुंबई में खुल के इंजॉय कर पाई, जो कि आप सब देख रहे हैं, जोरा के सब जैसे जोरा के नाच के देख रहे हैं अपन। तो अभी हम लोग लाइन में लग गए हैं नाचने के लिए। सारा चीज़ समाप्ति की ओर है और सब लोग का लास्ट में फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा है। इधर दीदियों मतलब ना, यहाँ पे बहुत सारी दीदी लोग हैं, सब दीदी लोगों का पूरा फ़ोटो शूट चल रहा है करम राजा के पास में, और उधर मेरा लड्डू जाम खेल रहा है। दीदी लोग ले रहे हैं बाबू के लिए दवाई, और हम लोग का प्रोग्राम सारा अच्छे से ख़त्म हो गया है, और अभी हम लोग 8 बज रहे हैं, तो दीदी लोग को स्टेशन छोड़ने के लिए आए हैं, तो जाएंगे अभी दीदी लोग और हम लोग जाएंगे अपने उधर। तो हम लोग का बाबू तो बहुत नाचा है, और उसको ना कौन नचा रहे थे पतेच नहीं है, वो लोग को बाबू को नचाना इतना अच्छा लग रहा था कि बाबू को छोड़ ही नहीं रहे थे, पूरे जितने टाइम भी अपन नाचे पूरा बाबू के साथ में एकदम पूरा नचा रहे थे, मज़ा आ गया, हम लोग बिंदास हो गए थे दीदी के साथ में।
आज का जो भी प्रोग्राम था बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत नाचे, बहुत इंजॉय किए। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं, हम लोग थोड़ा आगे बैठे थे ना, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई। हम लोग नाचे उसको भी नहीं दिखा पाई, कहाँ से दिखाती ना, मैं तो नाच रही थी तो। और दीदी लोग भी नाचे उसको भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि थोड़ा बोले कि ज़्यादा फ़ोन वगैरह यूज़ करना नहीं है कैमरा वैमरा करके, तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकाली। तो लास्ट में जो भी बना बस वही दिखाई, ठीक है। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यही ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय बाय, क्योंकि देता ही हूँ।